कैबिनेट मिनिस्टर ओपी सोनी, जो मेडिकल एजुकेशन और फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर काफ़ी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए पंजाब में अफसरशाही को पंजाब के राजनीतिक लोगों के ऊपर हावी होने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में अफसरशाही मंत्रियों के ऊपर हावी है, लेकिन मैं किसी ऑफिसर से नहीं डरता और ना ही डर कर रहूँगा, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी सुरेश कुमार ही क्यों ना हो। मतलब है कि पिछले दिनों पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई मंत्रियों का विभाग फेरबदल किया है। ओपी सोनी, जो कि शिक्षा मंत्री थे, उनको अब मेडिकल एजुकेशन शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जिनसे वह बहुत नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिपाही हैं, कैप्टन साहब हमें जहां हुक्म करेंगे हम वहां परफॉर्मेंस देंगे, परंतु पंजाब में अफसरशाही का दखल आगे से काफ़ी बढ़ गया है, जिसका सारा ठीकरा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी टू CM सुरेश कुमार के ऊपर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर उन्होंने कहा है कि वह मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। एजुकेशन से एजुकेशन की क्वालिटी से कितना फर्क होगा, सो मैं समझना एग्जीबिशन लगनिया जड़िया ने बहुत चंगी गल है, ये एजुकेशन की क्वालिटी जी बिल्कुल ठीक होगी। नहीं देखो, मैंने साल काम किया है, किशन कुमार जी तो 3 साल पहले भी इधर थे, और इस साल जितना काम एजुकेशन में हुआ है स्कूलों में, सारे स्कूलों से जिन्ना काम होया है, साढ़े सारे टीचर समान, प्रिंसीपल समान, अफसर समान, विद सैकटरी, मैं जिस वे आया सी राम उस वे जो रिजल्ट एक हफ्ता पहले रिजल्ट आए थे पंजाब के, बड़े चिंताजनक रिजल्ट सी, साढ़े स्कूलों से ज्यादा कुछ नहीं, जेडे बाड़े स्कूल से टीचर की घाट सी, टीचर नहीं सी, बच्चों के बैठन, बच्चों के पानी पीने कोई इंतजाम नहीं सी स्कूलों च, सो हर साल साड़ी जी ग्रोथ सी सरकारी स्कूलों से घटती जाती सी, बच्चों की हर साल 5% 7% घटते सी बच्चे साढ़े स्कूलों प्राइवेट स्कूलों जाते, ये साल जिन्नी मेहनत कैप्टन साहब की योग अगुवाई करवाई गई है, जिन्नी मेहनत हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तुम रिजल्ट वेख लो, जो सबूत जरा रिजल्ट ही जड़े ने, हर चीज़ का रिजल्ट होंगे, साढ़े तुम रिजल्ट जड़े ने एजुकेशन के हूँ 86% 88% जेडे प्राइवेट स्कूलों में भी 8% ज़्यादा, हमेशा जोड़ा कंपेरिजन हों प्राइवेट स्कूलों का गौरमेंट स्कूलों, तो असं उन्होंने कि लागे खलोते नहीं सी प्राइवेट स्कूलों के, साडे रिजल्ट उन्होंने 50% भी नहीं आते, सो इस बार ने रिजल्ट वधिया साढ़े आए ने, दिल्ली ना भी वधिया साढ़े रिजल्ट ने, तो बाकी स्टेटा वेख लो सारिया स्टेटा नालों चंगे साढ़े रिजल्ट आए हैं। वेखो गल है, वेखो किशन कुमार नाला होया नहीं होया, CM साहब की ये पावर है, जिन्हों मर्जी जिथे मर्जी भेज देन, सो गल है ये बारे मैं कुछ नहीं कह सकता कि करके बदलिया ज किस तरह बदलिया, मैनू तो मैसेज मिले जी पहलों स्कूल एजुकेशन हूँ मैडिकल एजुकेशन, सो गल है भी मेरे को फूड प्रोसैसिंग भी है, मेरे को फ्रीडम फाइटर भी है, सो गल है जिते हूँ CM ने वेखना जिते ड्यूटी लानी है, ये CM का पावर है, तो उन्होंने वेखना चाहिए सी कि इतने हूँ इस साल काम एजुकेशन से होया कि नहीं होया, ये उन्होंने सोच है, ये बारे मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, आही तो फौज आ, फौज की जिते ड्यूटी ला दें फौज ने लड़ना, पर गल आ जो कुछ इन्हें किया मैं समझना शायद ये जी कोई भला हो जी कोई फायदा हो, सो मैं तो अपनी पूरी 1 साल मेहनत लाई, रात दिन स्कूलों ने किया, मैं स्कूलों करके नहीं, मैं अपने बच्चों ने किया, पंजाब के बच्चे जोड़े आने वाले कल का भविख ने, बच्चों का सरकारी स्कूलों भविख जोड़ा तो पता जी सा एजुकेशन वह ग्राफ बहुत हेठा जा चुका, बहुत हेठा जा चुका सगा, पर जिनी परमात्मा की कृपा हुई वेखो नेक नीतना मेहनत करो, नेक नीतना मेहनत करो परमात्मा भी साथ दिता, सो परमात्मा ने साथ दिता, सो जल्द कर रहे हैं अखबारों खबर आ रही ने जी
वो जी फलाने करके होया फलाने करके होया। मैं तो पहली बार आया, साल मैं लाया, मैं पता जेडे पहली गल करते जिन्होंने ना लेंदे ने कि सैकटरी का लेंदे कि होर का ना, वो तो पहले भी उत्थे सी, वह तो सत्त सात साल उत्थे सी महकमे सैकटरी तो पहलों भी सैकटरी तीन साल पहलों भी उत्थे सी, उदों पहलों भी चार साल लग गया एजुकेशन। देखो गल आ, मैं ये गल मैं नहीं कह सकता है भी हो रहे नहीं है भी हो रहे, ये गल मैं नहीं कह रहा, पर पंजाब साड़ी पार्टी साड़ा जिहड़ा सी एम साहब मेहनत कर रहे हैं, पंजाब नहीं कर रहे, असीं मेहनत कर रहे, उन्होंने योग अगुवाई मेहनत कर रहे हैं। पर एक गल मैं जरूर कहूँगा कि अज ब्यूरोक्रेसी जी पंजाब च है भी है, बस हम फिर कुछ बोलिया जो हुई है उसको देख के क्या करेंगे। सिद्धू साहब ने अभी तक आए नहीं है, मीटिंग पे भी नहीं आए, मैं सिद्धू बारे नहीं पता जी, वो आया नहीं आया, मैं तो कैबिनेट च भी गया जी, मैं तो काम करूंगा मेरी जिथे ड्यूटी ला देंगे। पर एक गल मैं जरूर कहूंगा, वो मैं जिथे कहूंगा, देखो मैं उन्होंने गल नहीं करता, वो मेरे वड्डे भरा ने, पर मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा, ब्यूरोक्रेसी अगे मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला इंसान नहीं, मैं नेक नीयत नाल काम करना, मैं मेहनत करने वाला इंसान हाँ, मैं कोई करके विखाने वाला इंसान हाँ। जितों तक तुम गल कर रहे हो ब्यूरोक्रेसी की, जब किशन कुमार करके होया जा सुरेश कुमार करके होया, तुम्हें क्या, पर मैं ना सुरेश कुमार को झुकदा ना, मैं तो गोडी हाथ लाना ना, मैं उन्होंने नमस्ते कहना, मैं मंत्री हाँ, मैं मंत्री हाँ, वो प्रिंसीपल वो सैकटरी है सी एम साहब का, ठीक है काम करता, वह भी काम करता, सुरेश कुमार भी काम करता, पर प्रोटोकॉल वाइज जरा सी एम साहब ने सानू मंत्री बनाया, पार्टी ने मंत्री बनाया, तो ये गल मैं जरूर कहूँगा, पर मैं अपने प्रोटोकॉल से रहूँगा, मैं ब्यूरो देखे के झुकूंगा नहीं का, महकमा रवे ना रवे मैं परवाह। देखो मैनू तुम पूछा ना, मैं ब्यूरोक्रेसी अगे झुकने वाला इंसान नहीं, मैं गरीब अगे झुक जूंगा, ब्यूरोक्रेसी अगे झुकूंगा नहीं, पर जिथे सी एम मेरी ड्यूटी लाएगा उत्थे मैं मेहनत करूंगा, मैं उसके बारे कोई कमेंट्स नहीं करना।